वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो मेरा नाम वजाहत है, मैं हूँ बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने लगी है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है और हमारा खुद भी दिल था इस वीडियो में, हमें ये स्टोरी जाननी थी, तो देखते हैं। वीडियो है शॉर्ट महाभारत स्टोरी इन 10 मिनट, मतलब महाभारत में क्या हुआ था आज हमें पता लगेगा, मतलब कैसी स्टोरी है। हाँ जा, तो मतलब देखते हैं जा जल्दी से वीडियो, उसी के बाद पता लगेगा मतलब क्या हुआ था। हाँ जा, तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो व्यूअर्स, हिंदू पुराणिक ग्रंथों में हमें 4 युगों का वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे पहले सतयुग है, जिसमें अच्छे और बुरी शक्तियां दोनों अलग अलग लोक में रहती हैं, जिसे हम देवलोक और असुर लोक भी कहते हैं। फिर आया त्रेता युग, जिसमें अच्छी और बुरी शक्तियां एक साथ एक ही लोक में रहती थी, जैसे कि रामचंद्र जी और रावण। फिर आया द्वापर युग, जिसमें अच्छी और बुरी शक्तियां एक ही परिवार में रहती थी, जैसे कि पांडव और कौरव। फिर आया कलयुग, जिसमें अच्छाई और बुराई एक ही इंसान में रहती है, जो कि आज का युग चल रहा है। आज मैं आपको द्वापर युग की उस महान गाथा के बारे में बताऊंगा, जिस पर यह द्वापर युग आधारित है, जिसे हम महाभारत भी कहते हैं। महाभारत जैसे महान युद्ध से हमें श्री कृष्ण का अमूल्य ज्ञान गीता ज्ञान भी मिला था। यह वह ज्ञान था जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यह गीता ज्ञान जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी है, वही गीता ज्ञान है जिसे आज सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि अलग अलग धर्म के लोग भी मानते हैं। अगर आप अभी इस वीडियो को देखना शुरू कर रहे हैं तो मैं आपसे कृपया करके बेनती करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आप भी महाभारत को अच्छी तरह से जान सके और आपको पता चले कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। पता लगेगा। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। यह युद्ध 18 दिन तक चला था। 18 दिन इस युद्ध में लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। कहा जाता है कि इस युद्ध में मरे गए लोगों के रक्त के कारण ही कुरुक्षेत्र की भूमि लाल हो गई है। पांडवों की माता कुंती विवाह से पूर्ण अपने महल में थी, तभी उनके महल में ऋषि दुर्वासा आए। उनकी सेवा कुंती ने बहुत की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने वरदान दिया कि तुम्हें सभी देव पुत्र प्राप्त होंगे। यह कहकर वह ऋषि दुर्वासा वहां से चले गए और फिर कुंती ने उस वरदान का उपयोग करना चाहा और सूर्य देव की उपासना की, जिसके कारण उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई। विवाह से पूर्ण ही संतान प्राप्त मिलने के कारण समाज की बेइज्जती से डरती हुई कुंती कर्ण को एक टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया और कर्ण एक सूत परिवार को मिला, जिस कारण करण एक राजघराने का पुत्र होने के बावजूद भी सूत पुत्र कहलाए। कुंती का विवाह पांडु से हुआ, जिस कारण उन्हें युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन 3 महाबली संतान मिली और पांडु की दूसरी पत्नी मातृ से उन्हें नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। पांडु के छोटे भाई धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ और व्यास जी के कारण उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए। 100 पुत्र और उनके 100 पुत्रों में से सबसे बड़े भाई दुर्योधन थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के सबसे बड़े और बुजुर्ग ताकतवर योद्धा थे भीष्म पितामह, जिनका कहना पांडु और धृतराष्ट्र दोनों ही माना करते थे। पांडु की मौत के बाद राज सिंहासन के वारिस उनके छोटे अंधे भाई धृतराष्ट्र को मिला, मतलब उनको मिले। कौरवों और पांडवों को शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने दी थी। द्रोण के सबसे चाहते योद्धा थे अर्जुन। गुरु द्रोण अर्जुन को दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनाना चाहते थे। सबसे प्यारे इनके वो थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अभ्यास हुआ। भीमसेन से दुर्योधन टकराए और अर्जुन जो कि एक धनुर्धर थे, उनका मुकाबला करने के लिए कोई नहीं था, जिस कारण गुरु द्रोण ने ऐलान कर दिया कि अर्जुन दुनिया का सबसे ताकतवर धनुर्धर है। प्रजा से एक हाथ उठा और वो हाथ था कुंती पुत्र करण का। करण जिसने बचपन से ही कवच मिला था, जिसमें दुनिया के समस्त हथियार भी भेद नहीं सकते थे, और करण ने अर्जुन से युद्ध करने के लिए चुनौती दी, पर अर्जुन ने एक सूत पुत्र से युद्ध करने के लिए मना कर दिया। तभी दुर्योधन जो कि करण की शक्ति से वाकिफ थे, उन्होंने अपनी चाल चली और अंग देश का राजा करण को बना दिया, जिस कारण करण एक सूत पुत्र होने के बावजूद भी राजा बन गए। करण ने दुर्योधन की यह उदारता देख
उसी क्षण कसम खा ली कि वो हो मरते दम तक दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मतलब दुर्योधन ने साथ दिया था। राज्यसभा में भीष्म पितामह ने ऐलान किया कि आज हस्तिनापुर के राजा पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर होंगे। युधिष्ठिर को राजा बनते देख गांधारी के भाई और कौरवों के मामा शकुनी को हजम नहीं हुआ और उन्होंने अपनी चाल चली और कुछ अपने सैनिकों को पांडवों के शिविर में भेजा, जहां पर पांडवों और उनकी माता कुंती विश्राम कर रही थी। उन्होंने उनके शिविर को आग लगाने का उद्देश्य दिया, पर विदुर जी के कारण भीम को यह चाल समझ आ गई और उन्होंने सैनिकों को पकड़ लिया और मृत्यु दंड देकर राजमहल को आग लगा दी और गुप्त रास्ते से हस्तिनापुर से बाहर निकल गए और जंगल में जाकर छुप छुप कर रहने लगे। जंगल में भीमसेन का विवाह एक राक्षसी हिडिंबा से हुआ, जिस कारण उन्हें घटोत्कच नाम की संतान प्राप्त हुई। अगले ही दिन दुर्योधन ने हस्तिनापुर में ऐलान कर दिया कि पांडव मारे गए हैं और आज से हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन है। इस बात को 5 साल बीत गए और इसी बीच राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर रचाया, जिसमें दुर्योधन असफल हुए, जिस कारण उनका मजाक बना और उसी स्वयंवर में पांडव जो कि जंगल में छुप छुप कर रह रहे थे वो सबके सामने आए और मछली की आंख भेद कर द्रौपदी से विवाह रचा लिया और द्रौपदी से पांडवों को 5 पुत्र की प्राप्ति हुई। जब सबको पता चला कि पांडु पुत्र जिंदा हैं, तो वह हस्तिनापुर वापस गए और अपना राज सिंहासन मांगने लगे। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से सलाह की कि वह राज सिंहासन को बराबर बराबर कौरवों और पांडवों के बीच बांट दे, ताकि उन दोनों में लड़ाई ना हो। शकुनी मामा ने वहां भी चाल चली और बंजर जमीन जो कि खांडव प्रस्थ की थी वह पांडवों को दे दी और हस्तिनापुर पर आप राज करने लगे। पर पांडवों ने इंद्रदेव की तपस्या की और विश्वकर्मा जी की मदद से बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया और वहां अपना महल बनाकर वहां रहने लगे। अच्छा। और फिर उन्होंने खांडव प्रस्थ का नाम इंद्रप्रस्थ कर दिया। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो वह इंद्रप्रस्थ को देखने गए, जहाँ पर और जहाँ द्रौपदी ने उनकी अंधे का पुत्र अंधा कहकर बेइज्जती की, जिस कारण उन्हें बहुत गुस्सा आया। दुर्योधन के बदले की आग तो तब जली जब कृष्णा ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन की जगह अर्जुन से करा दिया। अर्जुन और सुभद्रा के मेल से अभिमन्यु नाम की संतान पैदा हुई, जिसका लालन पोषण कृष्णा ने किया और उन्हें युद्ध कला भी श्री कृष्ण ने ही सिखाई। दुर्योधन पांडवों और द्रौपदी से बदला लेना चाहते थे, जिस कारण शकुनी मामा और दुर्योधन ने युधिष्ठिर समेत पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया। जुए में कौरव जीत गए और पांडव अपना राज सिंहासन हार गए। राज वापस लेने के लिए पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और वह द्रौपदी को भी हार गए। भरी सभा में दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र हरण करने की कोशिश की, पर श्री कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत बचा ली और द्रौपदी ने समस्त सभा के सामने प्रण लिया कि जब तक वह दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धो लेंगी, तब तक वह अपने बाल नहीं बांधेंगी। पांडवों को कौरव ने दंड दे दिया। इस दंड में उन्हें 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिल गया, जिसे उन्हें स्वीकार करना ही पड़ा। वनवास के दौरान पांडव कौरवों से बदला लेने के लिए रणनीति बनाने लगे और अपनी युद्ध कला को बढ़ाने लगे। युद्ध कला बढ़ाने में उनकी मदद श्री हनुमान जी और शिव जी ने की। वनवास और अज्ञातवास भोगने के बाद वह जब वापस हस्तिनापुर अपना राज सिंहासन लेने गए, तो दुर्योधन ने राज वापस करने से मना कर दिया और तभी पांडवों के दूत श्री कृष्ण ने युद्ध का ऐलान कर दिया। समस्त हस्तिनापुर 2 गुटों में बट गया, एक पांडु पुत्र के गुट था और दूसरा कौरवों का गुट था। पांडवों के साथ कई राजा थे जिनकी मदद पांडवों के पिता पांडु ने की थी और कौरवों के साथ भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महाबली योद्धा थे। युद्ध के पहले दिन कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह सेना को निर्देश दे रहे थे और दूसरी ओर अर्जुन कहीं खोए हुए थे, थोड़े से बेचैन थे। कृष्ण के पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि उनके सामने खड़े दुश्मन उनके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि उन्हीं के ही भाई और सगे संबंधी हैं। वह उनके खिलाफ हथियार कैसे उठा सकते हैं? तब श्री कृष्ण ने उनका नेतृत्व किया, उन्होंने अपने विकराट रूप के दर्शन करवाए, उन्हें वह ज्ञान दिया जिसे आज हम गीता ज्ञान के नाम से जानते हैं। वही गीता ज्ञान जो अर्जुन के पास था और कौरवों के पास नहीं था, जिस कारण कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह ज्ञान कौन सा ज्ञान था?
बिल्कुल जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, वह ज्ञान था धर्म और अधर्म का ज्ञान, अच्छाई और बुराई का ज्ञान, सच और झूठ का ज्ञान। गीता ज्ञान प्राप्त कर अर्जुन ने शस्त्र उठाए और युद्ध शुरू हो गया। 18 दिन तक चले इस घमासान युद्ध के 9 दिन बीत गए थे, पर कुछ खास हासिल नहीं हुआ था। जो हुआ था वह कई सैनिकों की मौत हुई थी। युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह को शिखंडी और पांडवों ने मिलकर मृत्यु के मोड़ पर लिटा दिया, मतलब उन्हें शीर्ष पर लिटा दिया, उनकी छाती को तीरों से भेद दिया। 12वें दिन कौरवों ने घटोत्कच को मारकर भीष्म पितामह की मौत का बदला लिया। 13वें दिन अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को मृत्यु प्राप्त हुई, और मृत्यु प्राप्त करते करते भी अभिमन्यु अपना नाम एक महाबली योद्धा में दर्ज करा गए। अभिमन्यु की मौत का बदला लेने के लिए अर्जुन ने 14वें दिन जगारथ को मृत्यु दंड दिया। युद्ध के 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य को मृत्यु प्राप्त हुई। 16वें दिन भीम ने द्रौपदी का प्रण पूरा करने के लिए दुशासन को मारा और उसकी छाती के रक्त से द्रौपदी के बाल धोए। 17वें दिन सहदेव ने इस युद्ध के कारण यानी शकुनी मामा को मृत्यु दी। इन 17 दिन तक भीम ने कौरवों के 99 भाइयों को मार दिया था, और आखिर में 18वें दिन भीम ने दुर्योधन को भी मार दिया। और इसी की मौत के साथ हस्तिनापुर में पुनः धर्म राज्य शुरू हो गया था। दोस्तों, महाभारत एक बहुत बड़ा काव्य है, इसमें 1,10,000 श्लोक हैं। यह एक छोटी सी स्टोरी है जिसे आप अपने बच्चों, अपने भाई बहन, अपने सगे संबंधियों को शेयर कर सकते हैं, जिस कारण वह भी जान सकें कि महाभारत का युद्ध क्या हुआ था और किस कारण हुआ था। कोई शक नहीं। इसी साथ ये वीडियो खत्म। तो यार आज हमें पता लगा मतलब कैसे हुआ था यार ये युद्ध, इतना बड़ा युद्ध ये, मतलब यार स्टार्टिंग हुई मतलब वो जो इनकी माँ थी पांडवों की, मतलब उन्होंने मतलब वरदान किसी ऋषि ने दिया मेरे ख्याल में, कोई तेरे सारे बेटे देव होंगे, देवों के बेटे होंगे, तो मतलब देवों से, फिर देवों से उनको बेटे मिले, तो वजह उसके बाद मतलब पहला जो हुआ था वो शादी के बगैर हो गया था, मतलब ऐसे ही उन्होंने हाँ तो मतलब फिर उनको भा दिया, तो मतलब एक राज घराने में यार ये सूद वो होता है ना वो जो मतलब छोटी जात समझी जाती है, मतलब शायद सूद उसको बोलते हैं, पता नहीं यार, तो मतलब फिर उन्हें वो राजा के बेटा मतलब एक राज घराने के होकर भी सूद बनकर उनको जिंदगी गुजारनी पड़ी, लेकिन इस तरह स्टोरी फिर वो, और फिर जो करण को सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट वो द्रोणाचार्य, और आखिर में वही द्रोणाचार्य भी उनके साथ थे यार, मतलब दुश्मनों के साथ, ये कौरवों के साथ, मतलब ये कहानी कैसे हुई थी यार, मतलब काफी इसमें हमारे क्वेश्चन है। वही ना, और जब कृष्णा ने उनको जब अपना रूप दिखाया और उनको गीता ज्ञान दिया, मतलब सच्चाई और झूठ और मतलब यार मतलब वो सही रास्ते तो गलत का रास्ता, मतलब एक बंजर जमीन पे उन्होंने बसाया, फिर वो उससे भी मतलब दुर्योधन जो था वो जलता था, तो जल के वो भी ले लिया उनसे। बिल्कुल यार, और मुझे उस पे हैरानी हुई जो उन जो पांच लोग थे उन्होंने मतलब जो भी थे वो उन्होंने वो उसको भी हार दिया, पांडव जो थे उन्होंने उसको भी हार दिया, तो मतलब वो काफी वो था, जहरी बात है। और भीम ने फिर दुशासन को मतलब उसके रक्त खून जिसको कहते हैं उससे फिर उसके बाल धोए थे, मतलब वो कसम गई थी तब तक बाल नहीं बांधूंगी, तो मतलब इस तरह हुआ था। तो यार मतलब इसमें इतनी बड़ी बड़ी अंदर कहानियां हैं, मतलब खून से बाल धोए हैं यार, मतलब खुद सोच के मुझे इस कहानी का बिल्कुल नहीं पता था। फिर वो पितामह जो थे वो भी, वो जाद इनके सब काफी अच्छे थे, वो भी दुश्मन वाली साइड थे, फिर ये मुझे समझ नहीं आया, ऐसे टाइम आ जाते हैं ना क्या होता है, मतलब कुछ ना कुछ होगा अंदर यार। फिर आखिर पे उनको कितने तीर लगे हुए थे, वो और ये चार वही पांडव आस पास बैठे हुए थे उनके, मतलब यार मतलब क्या स्टोरी थी यार, मतलब यार मतलब अच्छा महाभारत इंडिया इसमें में यार एक क्वेश्चन है, कर्ण नहीं आया, मतलब कर्ण आया था या नहीं आया था, मतलब कर्ण का जिक्र लास्ट में नहीं हुआ, कर्ण का वो स्टार्ट होता ना, उन्होंने लड़ा तो था बीच में, वो तो वो उसके अंदर लड़े थे ना, इधर जिक्र नहीं आया कुछ। तो यार ये आप लोग कमेंट सेक्शन में हमारे डाउट थोड़े हैं तो वो क्लियर कर, यार मुझे अभी पता लगा इंडिया में इतनी महाभारत फेमस करके इतना मतलब लोग बीच में, और इतनी बड़ी जंग थी ये महाभारत यार भारत के इतिहास की। सही बात है, क्या तो बंदा बोल, ये आप बताना यार आपको कैसी लगी वीडियो। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, तो यार बाय।